नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड भारत टीवी पे। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे दतिया महोत्सव 2022 की कुछ झलकियां, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ साथ दतिया के कुछ लोकल कलाकार की कलाकारियां। आइए देखते हैं ये खास। दतिया महोत्सव 2022 का खूब जोरों शोरों से आगाज हुआ। बड़ी तादाद में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस मौके पर कई कलाकार शामिल हुए और मुख्य कलाकार के तौर पर हिमेश रेशमिया, विनोद राठौर और भूमि त्रिवेदी ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम पर चार चांद लगा दिए। इस मौके पर डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा और डॉक्टर विवेक मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया और कई कलाकारों को सम्मानित भी किया। तत्पश्चात डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से दतिया महोत्सव की सभी लोगों को बधाई दी। और आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रवि दीप डिटोरिया की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। कुछ ही क्षणों के पश्चात और अक्कू दुबे जी, रिंकू दुबे जी, आज के सभी मुख्य अतिथि महोदय, एक बार इस सम्मान के लिए जोरदार तालियों का आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। सम्मान की श्रृंखला में आज के ये हमारे कलाकार हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, जो आगाज हुआ था आज वो अपने अंजाम पर पहुंच रहा है। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो जाता ही तो
सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। मंडल पैक था, आपने अपने घरों में एक एक व्यक्ति को मेहमान की तरह रखा। जो भी दीन दुखी धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में आना चाहता था, आप सबने उसकी सेवा की है। ये सेवा भाव आज मध्य प्रदेश में एक नजीर बनने जा रहा है। एक एक विधानसभा से आवाज आती है, यार कार्यक्रम तो दतिया में होते हैं, फाग महोत्सव बोले दतिया में होता है, दतिया महोत्सव बोले दतिया में होता है, दीपा कहाँ आए थे बोले दतिया में, जुबिन नौटियाल कहाँ आए थे बोले दतिया में आए थे, और आज हम फिर हमने एक और भव्य रावण दहन का कार्यक्रम किया। मैं साफ सबको डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की ओर से धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हूँ आपके, और आज कार्यक्रम के बीच में ज्यादा ना बाधा बनते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की को देखने चलिए, आइए, चलिए, 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 च